समझ में आ रहा है सभी लोग थक चुके हैं, ये सुन लो भाई, आप जितना भी ना बोलो मैं खुद ही थक चुका हूँ। हाँ, और दूसरे बात है, आया हूँ बैंकॉक में, इसमें थोड़ा सा लग रहा है फिर से लग रहा है एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ये सुनो भाई, सभी लोग तो सब कुछ बोले हैं, समय भी ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आप यहाँ पे जितने सारे सीनियर लोग देख रहे हैं, जैसे लेवान जोता है, पुनीत सर है, रणवीर सर है, काशी द्वारा जी है, हर्ष सिंह है, मेरा भैया है, और बहुत लोग भी नेक्स्ट ग्रुप में आने वाले हैं। शादी क्या था इन लोगों का ट्रेनिंग है, बट होता है ना ये कुछ करना है, तो ये लोग मेरा मोटिवेट है हर समय हर टाइम। आज खुद को अच्छा लग रहा है कि इन लोग के साथ बैठ के भी आज आप लोग सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, शायद उसको क्या हो ये स्मार्ट कल के कारण। इनकी शुरुआत में पता नहीं कौन कितना नेगेटिव था, मेरे को हर समय मैं ज्यादा नेगेटिव था, एवरी पर्सन मेरा भाई बोलता था, सर लोग बोलते थे, पर एक चीज नेगेटिव होते होते ना मैं देखा हूँ, नेगेटिव का एक एंड होता है, एक एंड होता है, क्योंकि सिस्टम में भी एक होता है, आप जितना भी नीचे जाओ ना एक समय होता है, आइदर वहां से आप कम तक ऊपर जा सकते हो, नहीं तो वहां से ट्वीट हो सकते हो, यस यस, बट जिसने वहां से ट्वीट हो गया वो तो नहीं है सिस्टम में, है क्या? बट वहां से जब मैं पॉजिटिवली देखा तो मैं जंप करके आज इन लोगों के साथ बैठा हूं। तो इस आज जो भी हूं टोटल ये स्मार्ट ग्रुप का मैनेजमेंट ग्रुप और इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। 25 साल होने वाला है, सचमुच थोड़ा मेरे बारे में बोलूंगा, कुछ नहीं था, भाई को देखते हुए पहला चेक देखते हुए मैं ज्वाइन किया था, और आज अगर देखा जाए कि मेरा काम थोड़ा सा अलग होता है, अभी रिसेंटली ट्रैक खरीदा, उसका कीमत और इंटीरियर लेके लगभग 2 करोड़, मैंने कोई लोन नहीं लिया, पता नहीं कैसे क्या हुआ स्मार्ट घर का पैसा। अभी कोई कुछ बोला क्योंकि मैं कभी डरता नहीं हूँ, क्योंकि स्मार्ट घर मेरे को पावर दिया, सेल्फ जब भी आपके पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, क्योंकि बहुत लोग बोला पैसा जमा करो ये करो, कुछ कुछ लोग तो ये होता है दूसरा कोई बिजनेस भी स्टार्ट करे, मतलब साइड से पैसा ले रहा है स्मार्ट वैल्यू, बट सोचे साइड से, ये मैं देखता हूँ एक ही चीज में जानता हूँ, अगर ईमानदार रहोगे ना तो आपको बहुत लोग मारने रहेंगे, बट बचने वाला ऊपर है, वो बुलाया जा रहा है, जाटो रखे सही है, मार सकेगा कोई, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा तो आपको मारने वाला ये समझो। मुझे बोलूंगा क्योंकि बहुत लोगों का बिजनेस डाउन होता है ऊपर होता है, बट मेरा खुद का भी ऐसे एक स्थिति हुआ था, एक बार नहीं दो बार बहुत ही नीचे गया था, मैं देखा हूं कैसे उठना, क्योंकि मैं उसको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आने का भी ये होता है, अपना आपके अंदर ऑनेस्टी तो होता है ना, हम लोग किसको झूठ बोलते हैं, आदमी को झूठ बोलते हैं, अगर और को अगर प्ले करते हैं ना तो वो तो देख रहा है, कोई कोई लोग क्या पता है एसोसिएट को होता घर में किसको झूठ बोलते हैं, पर भगवान के पास ज्यादा प्ले करते, ये मन जाओ मन जाओ, मैं ये बोलता हूं क्योंकि तुम दिखाते हो मैं सही बोल रहा हूं, भगवान के पास प्ले करते, ये भाई यार किसी को मैं कांता नहीं हूं, मैं यहां से करता हूं, और प्रे करना है तो भाई यार मैं पहले मेरा माँ बाप को मैं सर्व करता हूँ, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा भगवान है, उसके बाद मैं दूसरे को मेरा जिंदा मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि मेरा सोच विचार का अलग होता है, कोई कोई किसी से मेरा नहीं मिलता है, बट वो किसी से नहीं मिलता है वो सब नहीं जान पाऊ। और दूसरी चीज है एक होता है पेशेंस, क्योंकि आपके अंदर ईमानदार आया उनके साथ पेशेंस आया और उनके साथ आपके पास रास्ता है समाधान, और उनके साथ आप इतने सारे लीडरों को देख रहे हो जहां यहां से आप यहां तक पहुंच आए, तो मैं भी आगे बढ़ू, ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब ये अगर आपके अंदर आ जाएगा कोई माइकल नहीं आपको रोकने वाला है, तो 25 years ज्यादा नहीं बोलूंगा बैंकॉक आया हूं भाई मस्ती करना है, बट मेरे पास कोई हिम्मत नहीं है मस्ती करने का, बट मेरे को मैं हर समय एसोसिएट को ये बोलता हूँ कि लास्ट टाइम
मैं गया था बहुत सारे एसोसिएट के साथ बाली, हिमाचलंगा भी थे और मेरा बहुत सारे एसोसिएट था। मैं बोलता हूँ भाई मजा करो क्योंकि रात को हम लोग मेरा बहुत सारे दोस्त मतलब सीरिया है इधर अमित है भरत है बहुत सारे और दूसरे टीम से भी वासुदेव से वासुदेव नहीं है आनंद नहीं है क्योंकि गली गली कर रहा हूँ मेरा टीम का नहीं है हम लोग उनको नहीं देखते ऐसा नहीं है क्योंकि इकट्ठा क्योंकि आप रात से अगर करोगे तो आपको ऑटोमेटिक लीजिए होता है तो हम लोग रात भर पूरा मस्ती किए फिर हम लोग घूमे फिर मजा किए कोई बात है भाई मजा करने के लिए आया हूँ कहीं पे भाई चुको मत मजा करो और जब काम करने के समय तब मजा मत करो भी सीरियस करो अगर ये सीरियस अगर करोगे तो ये 25 साल क्या है तुमको 50 साल है जो तुम कहाँ जाओगे कोई होते भाई थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू एंड थैंक यू थैंक यू।